क्षेत्र में नशेड़ियों को घर के पास नशा करने से मना करना बीजेपी नेता अनिकेत श्रीवास्तव को महंगा पड़ गया। नशेबाज अराजक तत्वों ने बीजेपी नेता पर ही हमला बोल दिया। नशेड़ियों ने भाजपा नेता से जमकर मारपीट करने के साथ ही उसका सिर भी फोड़ दिया। ये पूरी घटना रविवार देर शाम की भावापुर इलाके की बताई जा रही। भाजपा नेता के साथ मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रयागराज से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बीजेपी नेता पर यह हमला किया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नशेबाजी यहां पर युवक कर रहे थे, जब उनको मना किया गया तो किस तरह से उन्होंने हमला कर दिया। नशा करने से रोकने पर किस तरह से बीजेपी नेता पर हमला किया गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से ये हमला किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, नशा करने से रोकने पर इस तरह से हमला किया गया है, कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल हैं प्रयागराज में। निश्चित तौर पर लगातार पिछले कई महीनों से प्रयागराज के लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो जा रहा है, और इसी को लेकर यहाँ पर जो एसएसपी आते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसे कंट्रोल करने में सब नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ पर अभी ताजा मामला भावापुर का है, जहाँ पर एक बीजेपी नेता केवल नशा करने की मना करने से उसके ऊपर हमला कर दिया, उसका सिर फोड़ दिया गया है। इस पूरे मामले में 9 लोगों को नामजद एफआईआर कर दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उनके पकड़ने के लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद है। जी धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।